नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से इस टी शर्ट में जो लिखा हुआ है फॉर्मूला ओम इजिकल टू एमसी स्क्वायर, इसकी चर्चा हो रही है और इसकी आलोचना भी हो रही है। चलिए आज इसका जवाब हम आपको साइंटिफिकली देंगे। तो यूट्यूब में पहली बार हिंदी में ऐसा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन आप देखने जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका संबंध ब्रह्मचर्य के साथ है, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से देखिए, आप बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, बने रहें। स्वागत है आपका इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन में। मेरा पूरा प्रयास है कि कम शब्दों में मैं आपको बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। वो है ओम इजिकल टू एमसी स्क्वायर। क्या है इसका विज्ञान? दरअसल ओम इजिकल टू एमसी स्क्वायर नाम से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसको कहते हैं साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी, विज्ञान और अद्वैत, जिसको सैंड भी कहते हैं। ये कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट है, बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व हैं, रिसर्च करते हैं स्पिरिचुअलिटी को और विज्ञान को, और दोनों में क्या तालमेल है उसके ऊपर थ्योरी दुनिया के सामने रखते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंट्यूटिव है। जो देख रहे हैं इनका नाम है पीटर रुसेल। ये एक फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सैंड भी हैं। सैंड का मतलब साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, जिन्होंने वेद उपनिषद के ऊपर बहुत स्टडी किया है, मॉडर्न विज्ञान को भी बहुत स्टडी किया है। उन्होंने किताब भी लिखी है फ्रॉम साइंस टू गॉड, अर्थात विज्ञान और भगवान का क्या संबंध है, विज्ञान और ओम का क्या संबंध है। इनके वेबसाइट का लोगो ही यही है और इनके यूट्यूब चैनल का लोगो भी यही है। सोचिए ये लोग कितना डीपली इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और कितना इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट समझेंगे। आइंस्टाइन का सबसे फेमस फॉर्मूला है ई इजिक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको आइंस्टाइन ने 1905 में दुनिया के सामने रखा था। आइंस्टाइन ने इसको प्रूफ नहीं किया था, बाद में ये प्रूफ हुआ, लेकिन जो भी कुछ उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो एकदम प्रैक्टिकल निकला। इसको समझते हैं शॉर्टकट में। ई का मतलब एनर्जी है, एम का मतलब मास अर्थात जो द्रव्यमान है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, उसका स्क्वायर यानी कि मास और सी का स्क्वायर का प्रोडक्ट वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजियन को समझेंगे तो फ्यूजन में क्या होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनको विलय किया जाता है, जिससे बहुत एनर्जी निकलती है और बहुत तेजी से विलय किया जाता है, बहुत तेज गति से। उसी प्रकार उन्हीं पार्टिकल्स का विखंडन भी होता है, जिसको फिजियन बोलते हैं, उससे भी बहुत एनर्जी निकलती है और इस फॉर्मूले से ये सब संभव होता है। आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि एटॉमिक बम जो होता है उसका एक्सप्लोजन कितना खतरनाक और भयावह होता है, कितना विध्वंस करने वाला होता है। उसके पीछे ये विज्ञान है, ये फिजियन का विज्ञान है, आइंस्टाइन का विज्ञान है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको, ई इजिक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर मास इजिक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, अर्थात वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। यहां पर एक लिमिटेशन आता है। और लाइट की जो स्पीड है कि एक सेकेंड में लगभग 300,000 किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसकी गति होती है, पानी में, ग्लास में, तो ये फॉर्मूला वहां पर लागू नहीं होता है। अगर मास जीरो हो जाए तो ये फॉर्मूला तो यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फोटोन देखेंगे या न्यूट्रिनो को देखेंगे, फोटोन यानी कि जो लाइट पार्टिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें जो पार्टिकल होती है उसको फोटोन बोलते हैं, उसका जो मास होता है वो जीरो होता है। जो न्यूट्रिनो है ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मास भी जीरो ही होता है। जीरो होने के बावजूद भी ये लोग बहुत एनर्जी जनरेट करते हैं, उनके अंदर एक मोमेंटम होता है। तो यहां पर एडवांस में जब रिसर्च होता है तब आता है ओम इजिकल टू एम सी स्क्वायर, अर्थात मास भले ही जीरो हो जाए फिर भी उसके अंदर एनर्जी होती है, अर्थात सभी वस्तु और एनर्जी का जो सार है वो ओम है। भले ही किसी वस्तु की स्पीड कम हो या ना हो,
फिर भी उसके अंदर एनर्जी होती है, अर्थात एनर्जी, मास और ये लाइट की स्पीड तीनों के तीनों एक ही ओम से निकले हुए हैं और एक ही ओम के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तीनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओम जो है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, इस चीज को विज्ञानियों ने स्वीकार किया है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं ओम इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसीलिए सनातन धर्म में, वेद और उपनिषद में कहा गया है ओम जो है व्यापक ब्रह्म है और सभी शक्ति का भंडार है। तो यहां पर यह फॉर्मूला ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बिल्कुल सटीक साबित होता है। इसके ऊपर बहुत मीटिंग होती है, बहुत सेमिनार्स भी होते हैं फॉरेन में, आज तक किसी ने इस फॉर्मूले को झूठा साबित नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान में, बायोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत तरह की स्टडी होती है जिसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, ये विज्ञानियों ने दावा किया है, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, अर्थात जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी पृथ्वी है, सौरमंडल जो भी है, पैरेलल यूनिवर्स भी है, पूरा एग्जैक्टली हमारी तरह दिखने वाला यूनिवर्स भी है, उसको भी समझा जा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। कॉन्सियसनेस अर्थात आत्मा को, चेतना को भी इस फॉर्मूला से हम समझ सकते हैं, भगवान को भी हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं, ये विज्ञानियों ने दावा किया है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये है वर्म होल, ये है ब्लैक होल, ये पैरेलल यूनिवर्स, ये टाइम ट्रैवल, ये पिक्चर भगवान में अंतर्मुक्ता को इंडिकेट करता है और ये कॉन्सियसनेस को इंडिकेट करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इस फॉर्मूला में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आगे और इंटरेस्टिंग हम समझेंगे पावर ऑफ सेलिबेसी एंड ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। चलिए इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बैठा हुआ है आदमी, ये एम है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है, एक जीव है, हम है, आप हैं, और यहां पर क्या हो जाता है सी स्क्वायर, अर्थात हम एक जर्नी करते हैं, स्पीड में जर्नी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, साधना करके, चाहे कुछ भी करें, इससे हमारी जर्नी बहुत तेज हो जाती है और उसकी जो गति होती है लाइट से भी कई गुना ज्यादा बहुत पावरफुल गति होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम स्वयं आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो हम ओम के साथ इक्विवेलेंट हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। जिस रेट में हम साधना करते हैं, जिस रेट में हम आध्यात्मिक गति करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम आध्यात्मिक गति करते हैं, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में, उतने ही लेवल में हम ओम के नजदीक पहुंच जाते हैं या ओम के साथ, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ऑल दिस कलेक्टिवली इज ब्रह्म। जो भी कुछ इस दुनिया में दिखाई दे रहा है, चाहे वो एनर्जी हो, मास हो, या रोशनी हो, उसकी गति हो, या पूरी सृष्टि हो, ब्रह्मांड हो, सब कुछ एक ब्रह्म से ही निकले हुए हैं और एक ब्रह्म में ही विलय हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑल दिस कलेक्टिवली इज ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यहां पर मैं श्लोकांश कह रहा हूं, पूरा श्लोक और भी इंटरेस्टिंग है, इन फ्यूचर जरूर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक और बात लिखी हुई है, अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी मास या कुछ भी, या आप, हम जब मास को लॉस करते हैं, अर्थात अपने जीवन को बर्बाद करते हैं गलत लाइफस्टाइल में, गलत तरीके से अपने वाइटल एनर्जी को लॉस करते हैं, तो एग्जैक्टली हम अपने आध्यात्मिक शक्ति को भी लॉस कर रहे हैं। पर आध्यात्मिक शक्ति जब खत्म होती है तो एग्जैक्टली हम स्वयं खत्म होते जाते हैं, हमारा ज्ञान खत्म होता जाता है, हमारी चेतना खत्म होती जाती है, अर्थात चेतना तो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन हम जड़ जैसे हो जाते हैं, पशु जैसे हो जाते हैं, उसको कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस बात से समझ में आता है एनर्जी और मास यानी कि शक्ति जो ब्रह्म है और हम है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। जितना ज्यादा हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल होगा,
शक्ति का संरक्षण होगा, अभ्यास होगा, अंतर्मुखता होगी, उतना ज्यादा ब्रह्म की अंडरस्टैंडिंग, ओम की अंडरस्टैंडिंग, सत्य की अंडरस्टैंडिंग, ईश्वर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा हम उसके साथ एकाकार हो जाती हैं। अब इस चीज को मैं याद रखना चाहता हूं, हमेशा मेरे स्मरण में रहे, इसलिए इस प्रकार का टी शर्ट भी कई बार मैं पहनता रहता हूं। स्पेशली जब वीडियो में आपके सामने आता हूं तो मैं टी शर्ट जरूर पहनता हूं, तो मुझे स्मृति में रहती है कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं और किसके अंदर कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो बार बार उसे याद रखूं, उसका चिंतन होता रहता है, इसीलिए इस टी शर्ट को मैं पहनता हूं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये टी शर्ट चाहिए। अगर आपको ये टी शर्ट लेना है तो लिमिटेड स्टॉक्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है, आप वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूं, वो है माइंड शिफ्ट मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास से बहुत मिरेकुलस रिजल्ट आ रहे हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जीवन में। एक बार भी अगर आप माइंड शिफ्ट अटेंड करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही तेजी से इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में भी आप सफल हो जाएंगे, आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। इस माइंड शिफ्ट मास्टर क्लास की खास बात यह है कि ये लाइव होता है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। लाइव में ही इसमें एक अलग तरह की एनर्जी है और अलग तरह का आनंद है, और मोस्ट केसेस में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही करते हैं। एक बार अगर आप माइंड शिफ्ट को अटेंड करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी बदल जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हाई लेवल की हो जाएगी, आपकी अंतर्मुखता भी बढ़ जाएगी और स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी हो जाएगी। यह माइंड शिफ्ट मास्टर क्लास पेड क्लास है, इसके लिए हमें भी खर्चा करना पड़ता है, इसलिए इसके कुछ चार्जेस रखे गए हैं। तो आप लोग माइंड शिफ्ट मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ में इस टी शर्ट को ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो माइंड शिफ्ट मास्टर क्लास को ज्वाइन करने की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आज के वीडियो की नॉलेज आपको अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपके मन में और भी कुछ प्रश्न हैं तो हमें पूछ सकते हैं।
Oh.